स्टेशन के पास बना स्काईवॉक अब बन चुका है चर्सी, नशेड़ी और प्रेमियों का अड्डा। इसी के साथ साथ स्काईवॉक पर गंदगी भी देखी जा रही है, जहां संबंधित अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात की खबर हम तक पहुंचाई हमारे व्यूअर्स ने, जहां जनादेश एनेक्स की टीम ने तुरंत ही स्काईवॉक का जायजा किया। उल्हासनगर रेलवे स्टेशन के पास करोड़ों की लागत से बने स्काईवॉक पर रेलवे अधिकारियों की अनदेखी की वजह से यहां से गुजरने वालों को काफी दिक्कत हो रही है। स्काईवॉक पर गंदगी काफी है और यहाँ की सीढ़ियाँ भी टूटी हुई है। इसके अलावा टाइल्स की भी हालत काफी दयनीय है। लाइट तो हमेशा बंद रहता है, कॉलेज वाले लड़की लोग खड़े रहते हैं, परेशानी होती करती, लोग उनको तकलीफ देते हैं। ओके, गंदगी की वजह से अभी आपको पता है दिक्कत क्या हो सकती है। ये गंदगी कम नहीं है, ये आज के तारीख में जो गंदगी हो रही है, ये गंदगी की वजह से इतनी बीमारियां फैल रही है। स्काईवॉक को सरकारी अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज करने की वजह से यहाँ गर्दुल्ले बैठे रहते हैं। वहीं युवा मनचले साइकिलों पर स्टंट करते नजर आते हैं। यहाँ लड़के लड़कियां खुलेआम अश्लील हरकतें करते देखे जा सकते हैं, जिससे पारिवारिक लोगों को यहाँ से गुजरना भी नागवार महसूस होता है। शर्मनाक बात है, यहाँ आते जाते इतना गंदा लगता है कि माँ बाप को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता है। बच्चे आ जाके इधर खड़े रहते हैं और ये नहीं सोचते कि पब्लिक देखेगी हमको क्या बोलेगी क्या सोचेगी। ये सब गंदगी और ये इतना गंदा है, आने जाने को दिक्कत होती है। मैं उल्लासनगर में रहता हूँ, 3 नंबर OT पे। मैं अक्सर यहाँ पे स्काईवॉक पे जब घूमता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे चोरी वगैरह ये सब हो रहा है और नशा करके लोग यहाँ पे लूट मार करते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे स्काईवॉक पे प्रोटेक्शन नहीं है, देखा गया तो अनसेफ एरिया है स्काईवॉक। स्काईवॉक से CHM कॉलेज की तरफ जाने वाली सीढ़ी के एंगल टूटे हुए हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा होने की संभावना है। इस संभावना को टालने के लिए किसी जागरूक नागरिक ने टूटे एंगल को रस्सी से बांध दिया है। स्काईवॉक के छत पर लगी शीट निकलने से बारिश का पानी लोगों के ऊपर पड़ता है। वहीं स्काईवॉक के निचले हिस्से में लगी शीट भी गायब होते जा रहे हैं। मैं खड़ा हूँ उल्हासनगर स्टेशन के पास बने स्काईवॉक पर, जहाँ से रोज़ाना हज़ारों लोग आते जाते हैं और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हैं। उल्हास स्टेशन के स्काईवॉक की हालत इस समय काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे बहुत गंदगी है, कई जगहों पर टाइल्स टूटे हुए हैं और कई जगहों पर देखेंगे तो जो स्टैंड लगे हुए हैं स्टील के, वो भी टूटे हुए हैं, जिससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा मेरे सामने आप देखेंगे कि स्काईवॉक के नीचे जो स्टील लगा हुआ है और जो मटेरियल लगा हुआ है वो भी गायब हो चुका है। यहाँ से भंगार वाले वो मटेरियल निकाल कर बेच देते हैं। करोड़ों रुपए जनता के इस स्काईवॉक पर खर्च किए गए, मगर आज इसकी हालत देखकर बहुत ही दुख होता है। पता नहीं, हम स्वच्छ भारत अभियान तो कहते रहते हैं, पर असल में हमारा भारत कब स्वच्छ होगा, इसका इंतज़ार हर भारतवासी को है। मैं अशोक पिंजानी, कैमरामैन विक्की सिंह के साथ जनादेश एनएक्स के लिए। टीवी के साथ साथ अब आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। सिर्फ आपको यूट्यूब पे सर्च करना है टीओ के जनादेश और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। इसी के साथ साथ तुरंत ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।